हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराधा। मैं एक डाइटिशियन हूँ और एक सर्टिफाइड कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डिटॉक्स डाइट पे। आपने नाम तो बहुत सुना होगा डिटॉक्स डाइट का, और शायद कोशिश भी की होगी डिटॉक्स करने की, बट क्या आप एग्जैक्टली डिटॉक्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, और हमारी बॉडी को डिटॉक्स की नीड कब पड़ती है, उसी सब के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम अपनी बॉडी से जो भी हमारी बॉडी में एक्युमुलेटेड टॉक्सिन्स होते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान कर सकती हैं, उन्हें रिमूव करते हैं, उसे हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन वैसे तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं कि हमारी बॉडी नेचुरली भी डिटॉक्स करती रहती है, फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जो है वो टॉक्सिन्स को निकालती रहती है। बट ड्यू टू हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो लिविंग हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, जो इन कारणों के कारण हमारी बॉडी में ऐसा अनवांटेड टॉक्सिन्स जो है वो एक्युमुलेट हो जाते हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है, और अगर वो हमारी बॉडी में बहुत देर तक रहेंगे तो वो हमारे ऑर्गन्स को और एज सच नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसीलिए हमारी बॉडी जो है वो मांगती है। अब हम बात करेंगे कि डिटॉक्स हमें करना कब चाहिए और क्यों करना चाहिए। क्या आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स की ज़रूरत है? हम कैसे ये जान सकते हैं? तो एंशियंट टाइम्स में, हमारे आयुर्वेदा में भी मेंशन है कि एंशियंट टाइम्स में लोग हफ्ते में एक दिन फास्ट रखते थे। तो फास्ट रखने का मतलब ये नहीं है कि आप फास्ट रखेंगे और पूरा दिन बनाना शेक या फ्राइड पोटैटोज या ऐसी चीज़ें खाएंगे और अनाज नहीं खा के, दाने नहीं खा के आप सोचेंगे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं। डिटॉक्स करने का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे। आपके ऑर्गन्स जो हमेशा काम पे लगे रहते हैं, जो जिसमें इंक्लूडेड है आपका लिवर, इंटेस्टीन, आपकी किडनी, जो जब हम ऐसा खाना खाते हैं और इतना अनवांटेड चीज़ें खाते हैं, इतनी ईटिंग हैबिट्स है, उस वजह से हमारे ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो उन ऑर्गन्स को रिलैक्स करने के लिए हमें बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। दैट मीन्स, जैसे आप समझ लो कि आपकी बॉडी एक मशीनरी है और हफ्ते में एक दिन या कोई भी टाइम आप डिसाइड करें कि आप अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को आप रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स इन द सेंस कि आपको भूखे नहीं रहना है, आपको कोशिश करनी है आपकी बॉडी में बहुत ही नेचुरल, क्लोज टू नेचर चीज़ें जाएं जो बिल्कुल रॉ हों, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो वेजिटेबल्स हों। हाँ, बट अब आप प्रोसेस चीज़ों को डिटॉक्स डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते। सिम्टम्स से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स की नीड है। सबसे पहले, अगर आप बहुत ज़्यादा गैसी फील करते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको ब्लॉटेड फील होता है, आपके टमी में ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा गैस भरी हुई है, और आपका वेट जो है वो कम नहीं हो रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं वेट कम करने की, एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बट फिर भी वेट नहीं कम हो रहा है। उसके अलावा, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स हैं, तो और इसके अलावा आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको बार बार खट्टे डकार या एसिडिटी होती है, हेडेक रहता है, सर बहुत भारी रहता है, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा नीड है। और इस डिटॉक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहली बात, आप इमीडिएटली डिटॉक्स करना ना स्टार्ट करें, सबसे अपनी डाइट को एक प्रॉपर हैबिट में लाएं। एक हफ्ता आप कोशिश करें कि आपका डिनर जो है, आपका ब्रेकफास्ट जो है वो टाइम से हो और उसमें हेल्दी चीज़ें इंक्लूडेड हों। आप एक हफ्ता बाहर का नहीं खाएंगे, और अगर आप एल्कोहल, और स्पेशली अगर आपको फैटी लिवर या और भी लिवर, फैटी लिवर की स्टेजेस होती हैं, अगर तो शुरुआत में पता लग गया तो बहुत अच्छी बात है, तो दैट मीन्स आपको आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। बिकॉज फैटी लिवर एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक वन ऑफ द लाइफस्टाइल रिलेटेड मेटाबॉलिक डिजीज़ है, और जो कि आपको ये सीधा सीधा इंडिकेशन देती है कि यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल। और ये फर्स्ट ऐसा सिम्टम होता है आपकी बॉडी का जिससे आप यह क्लियरली जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में फैट एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो गई है। अब डिटॉक्स करना कैसे स्टार्ट करें? बात, अगर आप डायबिटिक हैं या थायराइड की टेबलेट लेते हैं, या आपको बीपी है, आपका वेट जो है वो बढ़ा हुआ है,
और आप अपना वेट कम करना चाहते हैं और या एसिडिटी होती है या ब्लॉटेड रहती है आपकी बॉडी, तो आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करे, तो आपको डिटॉक्स ज़रूर करना चाहिए। डिटॉक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं और उसमें सबसे पहला तरीका है जो कि एंशेंट मैंने बताया कि हफ्ते में एक दिन आप अपनी बॉडी को रॉ और अनप्रोसेस्ड फूड दें। याद रखिए जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी प्रोसेस्ड फूड में आते हैं, इंक्लूडेड आर मिल्क, तो मिल्क जो होता है वो भी एक प्रोसेस्ड फूड है। इसके अलावा आप रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे रह सकते हैं, एक दिन आप खाली फ्रूट्स पे रह सकते हैं। आपने सूप ले लिया, बिल्कुल हेल्दी सूप विदाउट एनी मसाला और एनीथिंग एल्स, और एक एक दिन आप पूरा दिन आप फ्रूट्स पे रहे एंड देन उसके बाद आप एक दूसरे हफ्ते में आप वेजिटेबल्स पे रहे, आप रॉ वेजिटेबल्स सैलड, स्प्राउट सैलड और सूप्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। पहले एक एक हफ्ता करके देखिए एंड देन उसके बाद सेकेंड वे है डिटॉक्स करने का, आपकी मॉर्निंग रूटीन। आप अपनी मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं, अगर आप वैसे ही अपनी डाइट में चेंजेस लाना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। जैसे सुबह उठते ही आप कोई भी फ्रूट डिटॉक्स कर सकते हैं, जिसको बनाने के लिए आपको ओवरनाइट से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दैट मीन्स रात को आपको कोई भी फ्रूट जो भी सीजनल है वो फ्रूट को पील के साथ, उसका छिलका नहीं उतारना है। जैसे इंक्लूडेड आर ऑरेंजेस, मैंगोज, आपका लेमन है, फ्रूट्स हैं, आप उनसे डिटॉक्स कर सकते हैं। जैसे अनार का छिलका जो है, कोई भी फ्रूट का जो छिलका है, इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट और उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी की जो ऑक्सीडेशन होती है, जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं आपकी बॉडी में, जो फ्री रेडिकल्स निकलते रहते हैं बॉडी से, जिसके आपकी बॉडी एजिंग होती है, आपकी बॉडी जल्दी जल्दी एज, जैसे आपके बाल झड़ रहे हैं या आपकी स्किन जो है वो ग्लो नहीं कर रही है, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई है या सैगी हो गई है एज से पहले, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी स्किन जो है वो लूज हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको ये बता रही कि आपकी बॉडी में बहुत सारी फ्री रेडिकल्स जो है वो इमिट हो रहे हैं और आपकी बॉडी को डिटॉक्स और एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट की बहुत ज़रूरत है। सो सुबह उठते ही आप मॉर्निंग में डिटॉक्स कर सकते हैं। उसमें से एक वीडियो मैंने बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना। उसमें आप कुकम्बर और लेमन वाला डिटॉक्स कर सकते हैं, या आपको रात को बनाकर वो डिटॉक्स वाटर रखना है और सुबह एक लीटर या डेढ़ लीटर जितना भी वो पानी है उसको एक साथ नहीं पीना, उसको सिप सिप करके एक एक ग्लास में लेकर उसको सिप सिप करके आहिस्ता आहिस्ता 15 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना है। ये जो डिटॉक्स वाटर होता है, ये डिटॉक्स वाटर आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। जितना आप पानी पियेंगे, लिक्विड इनटेक करेंगे, खाली पेटी जो है वो यूरिन से के माध्यम से आपका टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी और बहुत लाइट आप फील करेंगे। यकीन मानिए एक हफ्ते तक डिटॉक्स वाटर लेने से आपकी बॉडी बिल्कुल लाइट फील करेगी। अगर आपको ब्लॉटिंग या एसिडिटी रहती है तो आपको बहुत हद तक रिलीफ मिल सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।